अमित भाई ने एक पतंग गाई थी और फिर उसके बाद उसको लिपजा भी ला यार, अमित भाई का टैलेंट देखो गाइस। अमित भाई ने ये नवी पतंग काट दी भाई। हेलो दोस्तों, तो आज करने वाले हैं भाई काइट फाइटिंग। तो भाई आज पतंगे तो काफ़ी उड़ी हैं और भाई आज ईद भी है और ईद के दिन भाई काफ़ी ज़्यादा पतंगबाजी होती है। तो भाई देखो पतंग देख लेते हैं अभी कोई बढ़िया सी इसमें से। ये पतंग थोड़ी सही लग रही है हमें, लेकिन अभी और देखते हैं पतंग। भाई हल्की पतंग उड़ाएंगे क्योंकि हवा यार बहुत ज़्यादा आंधी जैसी चल रही है, तेज़ हवा चल रही है काफ़ी। ये सही है भाई, देखो हल्की पतंग है ये। अभी इस पतंग में जल्दी से कन्ने वन्ने बांधते हैं और भाई कन्ने बांध के ना सीधा पेड़ लगा के दिखाएंगे आपको, क्योंकि भाई पतंगे एकदम तैयार हैं लड़ने के लिए। तो अभी देखो भाई इन पतंगों को रखता हूँ और बैक करता हूँ बंद। देखो भाई हम जल्दी से ना इस वाली पतंग को तैयार कर लेते हैं और भाई पतंगे तो खड़ी हो गई पेड़ लड़ाने के लिए। जल्दी से भाई इसके कन्ने बांधते हैं। देखो ये भाई सद्दी पड़ी यार, हमारी सारी सद्दी भाई ख़राब हो गई यार। भाई देखो जल्दी से कन्ने बांध लेते हैं। भाई शाम में ना थोड़ी हवा सही हो जा रही है, इसलिए भाई 6 के बाद ही हम पतंग उड़ाते हैं, 6 बजे के बाद ज़्यादातर, क्योंकि अब बहुत तेज धूप आंधी भाई हालत बेकार हो रखी है भाई। चलो फिर जल्दी से इसके कन्ने बांधते हैं बिना बकचोदी के और फिर पतंग पार करके पेच लड़ा के दिखाते हैं आपको। देखो पतंगे तो भाई पीछे से ही पार हो रही हैं और पतंगे आगे उड़ रही काफ़ी लंबी लंबी। आज थोड़े भाई लंबे पेच हो सकते हैं क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा लंबे पेच, जो लंबे पेच आज लड़ाते हैं यार लोग, तो भाई उनकी पतंगे काटेंगे भाई। तो ये अपनी पतंग हो चुकी तैयार, टैपिंग वैपिंग करके सीधा पार करके पेच लड़ा के दिखाते हैं आपको। चलो तो भाई देखो हमने पतंग पार कर लिया अपनी और जो हमारी पतंग है भाई नीचे से ऊपर से ओपन एंड है भाई काफ़ी, मतलब ये लगा लो 500 लगभग इतना लंबा पेज लड़ रहा है 500 दूरी पे। तो ये देखो भाई नीचे से भर लिया मैंने काफ़ी। और भाई आज ना झटकों का पेज ज़्यादा लड़ाऊंगा मैं, क्योंकि यार कल इस बंदे ने भाई मेरी 4 पतंगे काटी हैं खींच से। यार मेरी खींच इसके सामने फेल हो रही है, पता नहीं क्या कर रहा है भाई अगला ऊपर से। आज देखो भाई ज़्यादातर पेज जो है ढील का लड़ाऊंगा मैं झटकों से। झटकों से भाई पतंग कैसे काटते हैं देख लेना पूरा बढ़िया करके। ये देखो भाई काफ़ी बढ़ गया हूँ मैं। और भाई इसकी पतंग देखो कहाँ है यार, कितनी आगे निकाल ली है भाई। ये देखो भाई काफ़ी दूर है इसकी पतंग भी। ये देखो भाई अंदर के झटके दे रहा हूँ, इसने मारा गद्दा मारा है। और देखो भाई नीचे को झटका मार के मैंने पतंग काट दी भाई। देखो पहले भाई अंदर के दे रहा था, फिर मैं नीचे को झटका पतंग रख के नीचे झटका मारा और पतंग देखो भाई इसकी कट के जा रही है काफ़ी लंबी और काफ़ी मंजे से भाई पतंग कट गई। देखो वो जा रही है और आगे भी दिख रही होंगी आपको पतंगें छोटी छोटी। चलो फिर भाई दूसरा पेज लड़ाते हैं और दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं भाई सामने का व्यू कितना शानदार है भाई। और भाई पतंगें जो है ना बहुत लंबी उड़ रही हैं हमारी भाई, छोटी छोटी पतंगें दिख रही होंगी आपको, छोटी छोटी बिल्कुल। चलो फिर इसको थोड़ा जूम करते हैं और फिर आपको पेज लड़ा के दिखाते हैं। देखो आपके जो पेज लड़ेगा भाई वो हमारा नीचे से लड़ेगा और बिल्कुल सामने से पतंग उड़ रही है भाई। देखो अभी दिखाते हैं जो ऊँची वाली पतंग है ओपोनेंट की है और नीचे वाली पतंग जो है वो हमारी है नीचे से। ये देखो भाई मैं नीचे जा रहा हूँ लेके और देखो उसकी राउंड पतंग है भाई बिल्कुल। देखो घुसा मैं उसके हाथ की तरफ को नीचे को, ये देखो भाई राउंड पतंग है। देखो सीधी मारी है मैंने, अरे निकल गई भाई पतंग ना राउंड अपने आप ही घूम के बाहर को चली जाती है। ये देखो अब दोबारा लड़ा है भाई, खींच से काटूँगा इसकी पतंग। देखो मैं आगे से उड़ा रहा है ये। ये देखो फिर से मैंने भर लिया है और भाई इस बार मारी है मैंने खींच, फिर से बचा भी। और देखो भाई लगातार खींच मार रहा हूँ, राउंड हो गई पतंग, मेरी पेट डल गया। देखो भाई कट गई पतंग, काट दी भाई। देखो पतंग काट दी हमने, वो जा रही पतंग कट के। तो भाई फाइनली एक और पतंग हमने काट दी है, देखो काफ़ी डोर से काटी आ रही है अभी। और भाई मेरा कन्ना फंस गया था सही बताऊँ तो। हाँ ये मुड्ढे के चक्कर में है, कन्ने के चक्कर में ये। देखते हैं गाइस क्या होता है। पेज तो अच्छा हो गया गाइस, काफ़ी लंबा पेज हो गया, ये भी लेंथ ही काफ़ी है। और मैंने ये 9x जूम कर रखा है अपने फ़ोन में, देखते हैं गाइस क्या होता है। चलो 10x जूम करके देखते हैं क्या होता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है 10x में। ये हमने फिर से काट दी गोविंद की पतंग, ये देखिए आप गोविंद की पतंग दोबारा। तो ये कह रही है गाइस अमित भाई की जो है ऊपर वाली है, वैसे अमित भाई को ले जाना चाहिए पतंग को, क्योंकि अमित भाई पहले ऑलरेडी 4 पतंग काट कर चुके हैं।
देखते हैं गाइस क्या होता है, क्योंकि देखिए पतंग का तो कुछ नहीं कह सकते, कौन किसकी काट दे। वैसे गाइस अमित भाई ही काट देंगे जहाँ तक मेरे को लग रहा है, मेरी प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं आती है। ये अमित भाई हमारे नीचे से लाइक खींचते हुए, और अमित भाई थोड़ा तेज और लो, अमित भाई की पतंग बहुत नीचे है अमित भाई। अरे यार क्या हुआ गाइस, और गाइस देखो यार हमारी पतंग कट चुकी है भाई, देखो वो जा रही है, काफ़ी लंबी पतंग कटी है, अभी दूसरा पेज लड़ाते हैं, दूसरी पतंग पार करते हैं फिर। 2x जूम है तो गाइस देख सकते हैं, एक और पेज आ गया अपना, व्हील पे लड़ाई हो भारी पतंग है अपनी, बहुत नीचे से ना ढील देता रही हो, अरे नहीं भारी पतंग पे ढील का लड़ाओ, पतंग डाल के घुमाते रहो बस। तो भाई देखिए तेज लड़ने वाला है हमारा, देखो भाई तो बंदा आगे से उड़ा रहा है, देखो हमारी पतंग नीचे वाली है, देखो भाई तेज फंस चुका है, पतंग उठा अरे ले आओ, ये तो बहुत अच्छा काम कर, नहीं जाएगी नहीं जाएगी, ऊपर को लो मुंडार, ले मुंडार दे के जाएगी, ऐसे नहीं पकड़ी है, पकड़ी नहीं अभी, ला मैं उठाऊं, मैं उठा लूँगा, अरे आवाज थपकी मार के लो अमित भाई, ऊपर वाली पतंग का ध्यान रखो बस, ऊपर वाली पतंग जिस डायरेक्शन में आए सोने पे सुहागा, ये पतंग तो चार ही आता था, कोई बात नहीं थोड़ा सा होने दो, गाइस ये देखो अमित भाई ने एक पतंग काटी थी और फिर उसके बाद उसको लिपजा भी ला, यार अमित भाई का टैलेंट देखो गाइस, अमित काइट ब्लॉगर्स यार, इनका तो कुछ कहना ही नहीं भाई, ये लगा लो नॉन स्टॉप पतंग भी काट रहे हैं उसके बाद लिपजा के भी ला रहे हैं भाई, बहुत बड़ा टैलेंट होता गाइस, मेरे से तो हो भी नहीं सकता। गई 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 आ जाओ, लाओ खेचो 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 खेचो, पतंग उठाओ अपनी।